नमस्कार, मेरा नाम सुष्मी मुर्मू है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मैं आज आपके समक्ष कवि सजीवन मयंक की रचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है हमें मिली आज़ादी। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए थे और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए थे और छल से हमको राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है। जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में उसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाओं वीरों के यशगान से, लगी गूंजने दसों दिशाओं वीरों के यशगान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसकी आंचल की छैया से छोटा यह संसार है। हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। कविता में बहुत शक्ति है। देश में बड़ा असमंजस का माहौल है, दूसरी महायुद्ध, महंगाई और इन सभी को लेकर अंग्रेजों की नीतियों से देशवासी गुस्से में हैं। गांधी जी, पटेल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कृष मिशन की असफलता के बाद हमें अब कड़ा कदम उठाना चाहिए। गांधी जी, पूरा देश आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। अब हमें जल्द से जल्द आपके दादा नेहरू जी, पूर्ण आज़ादी से काम अब कुछ भी मान्य नहीं होगा। हम सब अब देश की पूर्ण आज़ादी चाहते हैं। हर देशवासी देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। अब देश की आज़ादी के लिए करो या मरो, यह नारा हर जगह गूंज रहा है। मैं आप सबकी और सारे देशवासियों की बेचैनी समझता हूँ। हम सब भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, इसीलिए हम अब से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन याद रहे, हम सब जिस जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसे हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलता जोड़ना है। कल से हम सब एक नए जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी गांधी जी। तो गांधी जी देशवासियों को संबोधित करते हुए, प्यारे देशवासियों, मैं आप सबका दुख समझता हूँ। आप सब देश की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बड़े उत्साहित हैं। हम सब देश की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, इसीलिए हम अब से एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर लड़ना है। अंग्रेजों से अब हम किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। वे जल्द से जल्द हमारा देश छोड़कर चले जाएं, यह उनको मेरी आखिरी चेतावनी है। छोड़ो भारत।
गांधी जी द्वारा महंगाई और सभी को देखकर अंग्रेजों की नीतियों से देशवासी दुख होते हैं। गांधी जी पटेल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वच्छ मिशन की असफलता के बाद हमें अब कड़ा कदम उठाना चाहिए। गांधी जी